नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं छोले। तो ये जो चने थे ये मैंने रात को भिगो के रखे थे और इसमें का पानी निकाल के ये मैंने अभी दूसरा पानी इसमें डाला है। हमें इसको 3 सीटियां निकालनी है कुकर में डाल के, पूरी तरह से इसको बॉईल करना है। और ये एक मैंने ऐसे एक जो मसलिन का कपड़ा होता है उसके अंदर मैंने 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है और साथ ही साथ में थोड़ी सी चाय पत्ती ली है। इसको ऐसे ही इसके साथ इसमें बॉईल करने के लिए डालना है और थोड़ा मैं नमक डाल रही हूँ। अभी हम कुकर को बंद करेंगे और थोड़ा पानी इसमें डाल देती हूँ। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 सीटियां आने तक इसको बॉईल करेंगे। तब तक एक बाजू एक साइड में मैंने यहाँ पे प्याज लिया हुआ है। मैंने 2 तरीके से प्याज को काटा है। एक काट के सिर्फ ऊपर ही ऊपर मैंने इसको ऐसे 4 1/2 1 का 2 हिस्से किए हुए हैं और एक को मैंने ऐसे ही ऊपर ही ऊपर सिर्फ काटा हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगी कि ये तेल से थोड़ा ब्रश करूंगी और जो हमें प्याज की प्यूरी बनानी है ना, उसके लिए मैं इस ये प्याज को गैस पे रख के सेकूंगी। इसको ज्यादा काला भी नहीं करना है और ज्यादा कम भी पकाना नहीं है और ज्यादा भी नहीं पकाना है। इसको भी मैं ब्रश करके रखती हूँ। ये मैं आधा आधा यहाँ पे रख रही हूँ। ये जैसे ही अपने तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमें इसकी प्यूरी करनी है। आप देख सकते हैं कि जो छोले मैंने उबालने के लिए रखे हुए थे इसका इसके लिए मैंने 5 सीटियां निकाली और ये जो पूड़ी मैंने इसमें डाली हुई थी मसली के कपड़े में, ये अभी हमें निकाल देनी है। और ये देखो ये अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी हुई है, गैस की फ्लेम ऑन कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसमें तेल डालूंगी। तेल थोड़ा सा ज्यादा ही लगने वाला है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है उसमें ये जो मैंने प्याज की प्यूरी करके रही है, प्याज को मैंने भुना है गैस के ऊपर, आपको मैंने दिखाया, और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। या टमाटर, 2 टमाटर मैंने बारीक काट के उसको भी मिक्सी में पीस लिए हैं। फिर ये धनिया और जीरे का पाउडर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये थोड़ा सा गर्म मसाला है, ये हल्दी है, लाल टिका है, नमक, और ये जो है ये छोले मसाला है। हमारा तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता दी। और यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करके लिया हुआ है क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें गर्म पानी ही डाला जाता है ताकि हमारे ग्रेवी को ऑयल भी अच्छा छूटता है और ग्रेवी की टेस्ट भी अच्छी आती है। थोड़ा सा गैस बढ़ा करके पहले तेल को गरम करके ले रही हूँ। तेल गरम हो गया है, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम किया हुआ है और ये जो मैंने प्याज पीस के लिया हुआ है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हमें चलाना है।
मैंने वापस यहाँ पे गैस की फ्लेम थोड़ी बड़ी की है क्योंकि हमें ये प्याज को अच्छे से इसमें चलाना है। अभी ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस प्याज को हमने भून के लिया हुआ है। मैं वापस इस गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ, लो मतलब एकदम भी लो नहीं, मीडियम और हाई के बीच में ही रखा है मैंने। और इसका जो भुना हुआ भुनी हुई जो खुशबू है, वो खुशबू आने तक या खुशबू वो थोड़ी सी कम होने तक हमें इसको चलाना है। इसमें हमें नारियल का यूज कहीं पे भी नहीं किया हुआ है। देख सकते हैं कि ये जो मैंने प्याज की प्यूरी थी इसको ये अभी अच्छे से बॉईल होने लगी। इसमें मैं ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये मैं डाल रही हूँ। और वापस इसको अच्छे से चलाना है ताकि इसका जो कच्चा स्वाद है वो निकल जाए, ये प्याज में मिक्स हो जाए। एक 2 मिनट बाद जब इसका कच्चा स्वाद निकल जाएगा उसके बाद हमें इसमें टोमेटो की प्यूरी डालनी है। दोस्तों अब इसका कच्चापन दूर हो गया है, इसका जो कच्चेपन का जो बास है अदरक और लहसुन के पेस्ट का वो कम हो गया है। अब मैं थोड़ी और फ्लेम को लो रखती हूँ और ये जो टमाटो का प्यूरी है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से चला लेना है। आपको ये लगेगा कि ये काला हो जाएगा पर नहीं, ये भुना हुआ प्याज है और इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। आप करके देखना ये रेसिपी कभी भी इस तरीके से, आप कच्चा भी प्याज पीस के डाल सकते हो। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और ये जो मैंने लाल तिखा लिया हुआ है ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच लिया हुआ है। और मेरे पास ये कश्मीरी लाल टिका है, आपके पास अगर सादा वाला लाल टिका रहेगा तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और वो आप अपने हिसाब से, आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से आप उसको डाल सकते हो। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के अच्छे से इसमें उबलने देती हूँ। अब देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूनने के लिए रखा हुआ था, ये सारा ये अच्छे से भून चुका है। इसका तेल भी अभी बाजू बाजू से सब छूटने लगा है, आप देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं ये जो मैंने धनिया भुना हुआ धनिया और जीरे का पाउडर है
मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दिया है। इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो छोले हैं, ये पानी के साथ ही, ये जो पानी है ये अच्छा है, इसमें सारे मसाले का पूरा इसमें अर्क उतर चुका है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और वापस हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको जितना पतला चाहिए आप उस हिसाब से पानी इसमें और ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे पानी ऐड करने वाली हूँ पर अभी नहीं, इसको एक उबाल आने के बाद हम कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ पे पानी ऐड करने वाली हूँ। ये जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया हुआ है ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और ये छोले मसाला है, ये करीब करीब मैं मैंने दो से ढाई चम्मच मैंने यहाँ पे छोले मसाला डाला हुआ है। नमक हमें ऐड करना है पर आपको अगर पता रहेगा तो जब मैंने उबालने के लिए कुकर में इनको रखा था तब मैंने थोड़ा नमक ऐड किया हुआ था, तो हमें थोड़ा टेस्ट लेके देखना है, और अगर कम लगे तो ही हम इसमें नमक डाल देंगे, वरना नमक की वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मैं उबलने के लिए रखती हूँ 5 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको अच्छे से उबाल आ चुका है। यहाँ पे मुझे पानी और चाहिए, मैं थोड़ा इसमें ये जो मैंने गरम करके पानी रखा हुआ है यही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। वापस एक बार थोड़ा इसको 2 मिनट के लिए एक अच्छी उबाल आने तक हमें रखना है, और बाद में आप टेस्ट करके अगर नमक की ज़रूरत है तो आप नमक ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।